धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब दे दिल दे तौर ते जाने जांदे लुधियाना शहर, इत्थों दियां मौजज शख्सियतां, मेरे नाल MLA साहबान जिहड़े साथी ने मेरे लोकतंत्र द्वारा चुने हुए, सारे MLA साहबान जगराओं तो लुधियाने तो सारे खन्ने तो समराले तो बसी पठाना तो सानेवाल तो गिल तो जितों भी कह लो अपने ही हैं। सो उन्हां दा स्वागत करदा, मैं धन्यवाद भी करदा, उन्होंने मान सन्मान दिता मैनू, सारी टीम दा मेरी दा, पायल तो ग्यासपुरा साहब बैठे, असी लगभग हर दूजे तीजे दिन कितने ना कितने इकट्ठे होंने, किसी ना किसी फंक्शन ते, किसी ना किसी समाजिक फंक्शन ते, किसी ना किसी राजनीतिक फंक्शन ते। सो असी एक परिवार के तौर पर विचरते हैं। वेरका दे जिहड़े मिल्कफेड दे चेयरमैन नवे बनाए गए ने नरेंद्र शेरगिल जी, उन्होंने बहुत बहुत वधाई दिना मैं कि उन्होंने अगवाई दे विच वेरका जिहड़ा है वह नवीं पुलांघां पट्टियां शुरू कर चुका है। मैडम जसप्रीत जी, ढाका साहब, सारी लीडरशिप, सारा प्रशासन, लुधियाने दे SSP कमिश्नर, DC साहिबा, जिन्हें भी तुसी इत्थे पहुंचे हो, खास तौर पर बेरका दी रीढ़ दी हड्डी जिहड़े किसान पिंडां चों तुसी दुध लिया के इत्थे इस प्लांट नूं चलाउंदे हो, मैं तुहाडा सारिआं दा कल्ले कल्ले चले हुए कदम दा स्वागत भी करदा ते सिर मत्थे भी कहना, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। कोई अज राजनीतिक फंक्शन नहीं, मैं किसी की कोई निंदा या किसी की कोई चुगली या आलोचना नहीं करनी। पंजाब तरक्की दे राह दे उत्ते चल पिया, पंजाब दे 3.25 करोड़ लोगों ने मेरे ते यकीन किया, बहुत पुराने घाग जिहड़े पहला पंजाब दे मोहरी रहे उन्हां लोकतंत्रिक तरीके नाल घरें बिठा के एक नवे खून नू, नवे विचारां नू, नवी नवे जोश नू मौका दिता, तां सानूं 6 महीने लग गए कि सफाई करिए थोड़ी जी, जिथे जिथे गलतियां ने वो पुराने सिस्टम चो ठीक करिए, करी जाने हजे भी करी जाने, ऑनगोइंग प्रोसैस है, ये चली जाता हर रोज़। आपां किसे खेत नूं भी रस्ता बनाउणा होवे, डंडी भी बनाउणी होवे, वो डंडी ते एक बंदा लंघूगा पहला, फिर दो, फिर पांच, फिर पैड़ां देख देख के 7, 10, 15, 20 उन्हूं भी 5-7 महीने डंडी नूं लग जांदे ने, और डंडी जिथे मोड़ पै गया मोड़ पै जांदा है, जिथों सीधी हो गई सीधी हो जांदी है। सो आपां सीधी डंडी एक बनाई है पंजाब वास्ते जिहड़ी सीधी मंजिल नूं जांदी है, ते उस डंडी दे विच अज एक होर पैड वेरका पा रहा है कि अज लुधियाणा दे विच 105 करोड़ दी लागत नाल 9 लाख लीटर एक दिन का दुध की प्रोसैसिंग का प्लांट जिहड़ा शुरू हो रहा है। 10 लाख मीट्रिक टन, 10 लाख टन है जी, 10 मीट्रिक टन जिहड़ा दुध है वो तो पनीर बनूगा, मक्खन बनूगा, मैं देख के आया प्लांट। सामने मेरे लिखे वेरका किसानों का अपना अदारा, पशु धन हुंदा है वरदान, खालस दुध चोखी कमाई नाले घर दी शान।
तरक्की लिए ज्ञान जरूरी, पशु धन लिए ध्यान जरूरी, सामने लिखा है। ये तरक्की जिहड़ी है पंजाब दी इदां ही होनी है, ये जनता की हाजरी च होनी है, जनता नू अखी डिठा गवाह बनाउणा पैणा है क्या तुहाडे सामने काम हो रहा है जी। पहला की करदे सी, तरक्की कागजां च हुंदी सी, जनता उहदी अखी डिठी गवाह नहीं हुंदी सी, इस करके उह तरक्की साडे तक पहुंची हुई नहीं, कागजां च रह गई। कल मैं लहरेगागे दे नेड़े पुटाल कलां, बर्वियो कंपनी है जर्मनी दी, उन्होंने एक प्लांट लाया, हैरान हो जाओगे। वो प्लांट की करता है 330 टन पराली हर रोज दी खपत करता है, तो पराली नाल जमा एन जिवें अपनी रूड़ी वाली खाद होंदी है उदां दी खाद बनती है, ते 33 टन बायो ऊर्जा CNG पैदा होंदी है। यानी कि उन्होंने जिहड़ा प्लांट है इंडिया का सब तो बड़ा प्लांट है। कल मैं उत्थे गया सी, तुसीं देखिया होना बहुत सारे ने, मंत्री साहब भी आए सी सेंटर तो, 1,00,000 टन पराली एक साल की चाहिए उन्होंने, 24 घंटे प्लांट चलूगा। पराली तो 20 दिन का सीजन है ना, पर वो की करनगे, उन्होंने जमीन ले ली अलग अलग जगह पर ठेके से, वो अपनी पराली नू उते स्टोर कर लेंगे। 1,00,000 टन पराली का मतलब है 47,000 एकड़ जिहड़ी जमीन है उहदे च उह पराली का डक्का डक्का चक लैणगे, अग लाउण दी लोड़ नहीं पैणी। 47,000 ते मैं जदों जर्मनी गया सी मैनूं मिले सी, 2-3 कागजी कारवाइयां सी उह असीं ठीक करतियां, उह कहिंदे वी 10 प्लांट होर लावांगे। हुण सानूं पता लग गया कि पंजाब च सानूं कोई तंग नहीं करदा, हुण पंजाब च साडे तों कोई हिस्सा नहीं मंगदा। पहला इंडस्ट्रियलिस्ट आउंदा सी बाहरों पंजाब च कम करना चाहुंदा सी, बहुत सारे दी बैकग्राउंड पंजाब तों है भी चलो यार अपने पेकी जाके कम करिए, आपदे धरती नूं कुछ फायदा देइए, समाज ने आपां नूं बहुत कुछ देता आपां भी समाज नूं देइए। वह आउंदे सी MOU करन, एग्रीमेंट करन आउंदे सी पहलां भी, पर वह पहलां सिर्फ एक परिवार नाल MOU करन आउंदे सी। वह कहिंदे सी मैं एड्डी वड्डी फैक्टरी लाउणी है, तो मूहरों कहिंदे सी मैनू किन्ना, वह कहिंदा सी जी मैं तो जी 2,000 मुंडे कुड़ियां नूं काम दे सकदा, वह कहिंदा छड्डो परे उन्हां नूं फिरदे रहण दो धक्के खांदे, तू मेरा हिस्सा दस, तां उह चले जांदे सी किते कोई होर गुजरात बद्दी मध्य प्रदेश इधर चले जांदे सी। हुण तुहानूं मैं दसदिआं खुशी महसूस कर रहा, हुण जदों इंडस्ट्री वाले आउंदे ने उह किसे परिवार नाल समझौता नहीं करन आउंदे, उह पंजाब दे 3.25 करोड़ लोकां नाल MOU करन आउंदे ने, वह पंजाब नाल समझौता करना आउंदे ने। टाटा स्टील का प्लांट आ रहा लुधियाने च, जमशेदपुर तो बाद इंडिया का सब तो बड़ा सैकेंड टाटा स्टील आ रही है, 2600 करोड़ रुपया, किन्ने मुंडे कुड़ियां नूं काम मिलेगा, इनडायरेक्ट काम किन्ना मिलेगा। टैक्सटाइल दियां कंपनियां आ रही ने, बहुत सारी इंडस्ट्री कहती है बस साडा हुण काम बन गया जी, साथों कोई पैसे ना मंगे, सानू दफ्तरां च धक्के ना खाने पैण, असी कहा जी सिंगल विंडो सिस्टम कर देंगे, आ जाओ काम करो, फैक्ट्रियां लाओ, साडे मुंडे कुड़ियां नू काम दिओ। मैं उन्हां नू कहा वध तो वध 80%, 90%, 95%, मैं तो कहना 100% भी जिथे फैक्ट्री लाओगे जिहो जिहा तुहानू कोई इंपलाईज चाहिए ने, वह आले दुआले के पिंडां तों ते पंजाब तों ही लिओ, पंजाब तो। उन्होंने मैं कुछ ने कहा, मैं सच दसदा मैं झूठ नहीं बोलता, वह कहिंदे जी पंजाब तो सानू कई बार टैक्नीशियन बहुत हाईली एजुकेटड वो बेंगलौर तो मंगाने पै जाते हैं, पुणे तो गुड़गांव तो मंगाने पै जाते हैं। मैं उन्होंने कहा ओके तुसी मंगा लिओ उन्होंने,
बंगलौर तो पुणे तो जिहड़े थोड़े कोई टैक्नीशियन ने कोई होर पढ़ाई की हुई है असीं पंजाब चो नहीं पढ़ाई करा सके बच्चों पर तुसीं सानूं इह जरूर दस दिओ कि उन्होंने डिग्री कहड़ी की हुई है एक साल के उही डिग्री समेत असीं तुहानूं पंजाबी मुंडे कुड़ियां तुहानूं असीं प्रोवाइड करा के देंगे। स्किल डिवेलपमेंट वल ध्यान देना पवेगा, अज स्किल डिवेलपमेंट का जमाना है। कुछ ना कुछ सीख के परमात्मा ने हर एक बंदे नूं कोई ना कोई कला दिती है। किसी की लिखाई बहुत सोहनी है, कोई गाउंदा ही बहुत सोहना है, कोई लिखदा ही बहुत सोहना है, कोई एक्टर बहुत सोहना है, कोई अफसर बहुत वधिया है। हर बंदे नूं परमात्मा ने कोई ना कोई फन दिता, उन्हूं जे आपां उभार दिए जिवें हुण खेडां चल रही ने, खेडां वतन पंजाब, हजारां मुंडे कुड़ियां उस च हिस्सा लै रहे ने, लंबी छाल उच्ची छाल बॉल हैंडबॉल भुल ही गए सी आपां, स्कूलां च हुंदियां हुंदियां सी गेमां, आ हुण उह गेमां जिहड़ियां ने उस च किन्ने हजारां बच्चे हिस्सा लै रहे ने और किन्ने जाने उन्हां चों स्टेट लैवल ते जाणगे, नैशनल लैवल ते जाणगे, ओलंपिक जाणगे, एशियाड जाणगे। सो मैनू इस गल की खुशी रहिंदी है कि अज एक होर काम करन चले आ जिहदे नाल किसे दे घरें चुल्हे बलणगे। जिहड़ा डेयरी है यह बिल्कुल खेती दे नाल है, बराबर चलने वाला धंधा है। यह किसान जिहड़ा जेकर मेरी सोच यह है, जे किसान नूं कल्ली खेती ते ना रखिए, जेकर उहदे घरें हर रोज हर हफ्ते जां हर महीने किसी होर पासों इनकम आउण लग जाए तो 100% खेती ते नहीं रहूगा। जे वह 100% खेती ते ही है तो अद्धे घंटे की बेमौसमी बरसात, 10 मिनट के बेमौसमी गड़े उसकी सारी कबीलदारी लीह तो ला के रख देंगे, क्योंकि होर पासों कोई उम्मीद ही नहीं। सो डेयरी जे नाल चलूगी हर रोज दुध के पैसे आउणगे तो किसान जिहड़ा उहदा मुंडा वह काम करूगा, उन्हूं होर नवे तरीकों नाल बधाऊगा, डिजिटल मशीनां लगणगियां। मैं पंजाब के नौजवान मुंडे कुड़ियां नूं जॉब सीकरस नहीं बनाउणा चाहुंदा, मैं जॉब प्रोवाइडर्स बनाउणा चाहुंदा। नौकरियां मंगण वाले नहीं, नौकरियां देण वाले बनाओ, उन्हां नूं नौकरियां देण वाले, उन्हां दे छोटे छोटे काम शुरू कराओ, उन्हां नूं सस्ते रेटां ते लोन दिओ, सरकार उन्हां नूं भ्रिष्टाचार तो बचा के उन्हां दी फैक्टरी चलावे, वह 10 बंदिआं नूं काम देणगे, 6 महीनों बाद 20 ते आ जाणगे। जिवें आह बिरका मिल्क 15 लीटर तो चलिया सी, अज 9 लाख लीटर पर डे ते आ गया। ये मेरे लिए कोई शहर बेगाना नहीं, कला दे खेतर च आउण तो वेले मैं इत्थे सी, मैं बहुत बारी इस मिल्क प्लांट चो दुध लैके पीता होया, मैं नाल ही तो रहिंदा सी अगर नगर तो अगे आदर्श कलोनी है उत्थे ही रहिंदा हुंदा सी, मैं इत्थों जांदे हुंदे सी, जिहड़ी कैस्टां दी मार्केट है वह उधर पदौड़ हाउस उत्थे कैस्टां दी मार्केट सी, सारा उत्थे कंपनियां वाले, मैं बहुत मेरा बचपन ला लो क्योंकि मैं 17-18 साल रही सी उदों जदों इत्थे आ गया सी कैस्टां सीढ़ियां च। सो मेरे लिए लुधियाना शहर कोई बगाना नहीं। जे सतौज पिंड मेरी जन्म भूमि है तो लुधियाना मेरी कर्म भूमि है। इत्थे आके मैं रोजगार ते लग्या सी, पता नहीं किन्ने हजारां होर लोकां नूं लुधियाना रोजगार दिंदा है, किन्ने चुल्हे लुधियाने करके बलदे है। लुधियाने दे इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे कोले आए सी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी उन्हां नूं पुछ के बना रहे हां। इस समय 556 डेयरी फार्म जिहड़े ने रजिस्टर्ड ने इस प्लांट दे नाल, 865 दुध उत्पादक सहकारी सभावां ने। यह आपां इत्थे जिहड़ा दुध आपां नूं आपां लेके आउने आ, इह च मिल्क यूनियन ने शीतल दुध केंद्र जिहड़े ने उह बीजा, माछीवाड़ा, समराणा, इस तों इलावा
रामगढ़ सरदारा सोईया इथों दुध आ प्रोडक्शन जे होर बधा दिए तो मैनू मेरे अफसर दस रहे थे कि जी पहला 5-6 लाख लीटर सी ट्रकां नू वेटिंग च खड़ना पैंदा सी हुण असीं 9-10 करती ट्रक वेटिंग च नहीं खड़ूगा आओ सीधे सीधा प्रोसैसिंग दे विच जाऊगा। असीं दिल्ली नाल गल कीती है दिल्ली सरकार है आम आदमी पार्टी दी इस वक्त 30,000 लीटर सिर्फ 30,000 लीटर दुध जांदा दिल्ली नू असीं उत्थे वेरका दा हैड ऑफिस खोलांगे दिल्ली असी सरकार तो लिख के मांग की थी तो उन्होंने मन भी ली है दिल्ली दे विच वेरका दे जगह जगह बूथ खुलणगे असी दिल्ली दे विच पंजाब चों घट्टो घट 2 लाख लीटर डेली दी असी जिहड़ी है कैपेसिटी करनी चाहुंदे आ क्योंकि इकल्ला दिल्ली च नहीं जी हिमाचल जम्मू कश्मीर बहुत सारा दुध जाता पर सरकारी इदारा सी पहले किसी ने ध्यान नहीं दिता हुण असी इहनू सरकारी नहीं मानते असी इहनू लोकां दा मानते हैं किसानां दा मानते हैं। अमरीका कनेडा साडी गल चल रही है अमरीका कनेडा च भी वेरका दे मिल्क फैट दे बने हुए प्रोडक्ट जाणगे अमरीका कनेडा च बहुत सारे अपने दोस्त मित्र रहिंदे ने थोड़े बहुत सारे रिश्तेदार होणगे तुसीं उन्हां नूं पुछ लिओ जदों उह वैनकूवर टोरंटो कैलगरी एडमिंटन विनेपैग ब्रैम्पटन कैलीफोर्निया शिकागो दे विच किसे वालमार्ट ते किसे कॉस्को ते जां किसे सुपर स्टोर ते कोई समान लैण जांदे ने जे किसे चीज ते पंजाब लिखिया होवे ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ ਐਂ ਧਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਰਕਾ ਵਰਗਾ ਦੁੱਧ ਵੇਰਕਾ ਵਰਗਾ ਪਨੀਰ ਵੇਰਕਾ ਵਰਗੀ ਖੀਰ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਪੰਜੀਰੀ ਵੇਰਕਾ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਰ ਐਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਥੋਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਹੁਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਚ T20 ਮੈਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਡ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਗਾ ਵੇਰਕਾ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਐਡ ਲਾਈ ਸੀ ਸੋ ਵੇਰਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਵੇਰਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਊਗਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੱਲੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਫੈਕਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਜੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ 8,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ 5-5 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ 6-6 ਲੱਖ ਉਹੀ 5 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਫਿਰਦਾ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ
लो उधर चला गया सी। असि तो उन्होंने हजे जांच ही कहा सी, वो आप ही पैसे लेके आ गया। चोर दे दिल च पाला हुंदा, चोर नूं ऐ लग जिहड़ा चोर हुंदा जिन्हें कोई गलत काम किया हुंदा, पुलिस भावें पिंड दे परले पासे आई होवे, वह एवें ही घर दे किसे होर घर छाल मार देने लई मैनूं चक्कण आए होणगे, क्योंकि उहदे दिल च डर हुंदा। ते उहदे बारे दसो की कहिंदे ने मीडिया वाले बैठे आ, उहदे बारे कहिंदे की ने, बीजेपी कहिंदी साडे च हजे इह ऑफिशियल तरीके नाल आया नहीं सी, कांग्रेस वाले कहिंदे साडे वाले पासे चलिया गया सी, गया किधरे आए ने इह जिने पंजाब का पैसा लुटिया, जिने पंजाबियों की खून पसीने की कमाई का पैसा लुटिया, चाहे मंत्री है, चाहे संतरी है, चाहे मेरा कोई सका, मेरा कोई मामे का मुंडा है, मेरा कोई भूआ का मुंडा है, बख्शा नहीं जाऊगा जी, पैसों का हिसाब लवेंगे, पैसों का हिसाब लिया जाऊगा। यह नहीं होगा कि हां जी अपने ही है, चलो ऐ कर दो, हाँ अपने ही है, चलो ऐ कर दो, क्यों कर दिए बी, पब्लिक देखो, लोग देखो कितनी मेहनत करते हैं, लोग टैक्स देते हैं, टैक्स का पैसा सरकार को पहुंचता है, तो सरकार का फर्ज है वो टैक्स का पैसा लोगों से लावे, बिजली फ्री कर दे, सड़क बना दे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे, नवे स्कूल मोहल्ला क्लीनिक कॉलेज यूनिवर्सिटियां खोले, सरकार का काम होंदा है, सरकारां कोल मशीन नहीं होंदियां नोट छापने वाली, लोग ही सरकार की मशीन होंदे ने, पैसे देंदे ने टैक्स का। हुण तुसी ये ना समझो कितने बजुर्ग बैठे ने मेरे दादे की उम्र के, कितने तुसी समझदे होगे ना भाई असी तो नहीं टैक्स देंदे, आ जिहड़ियां बैंकां लुट के भज जांदे कोई 10,000 करोड़ कोई 20,000, बैंकां नूं नुकसान हुंदा साडा नहीं, उच कोई पैसा क्यों नहीं हैगा जी, तुहाडा पैसा है उच, तुसी टैक्स दिंदे हो, तुसी कहो ना जी अज तक कदे दित्ता ही नहीं, लै मैं समझा दिंदा टैक्स कदों कदों दिंदे हो, तड़की उठदे अमृत वेले गुरुद्वारा साहब चो भाई साहब कहिंदे ने भाई अमृत वेला हो गया, उठो मूंह हत्थो नाम जपो चाह पानी बनाओ, चाह बनाने वास्ते सिखां दी डब्बी माचिस पहली तीली जलाने आ, चाह वास्ते टैक्स शुरू, तीली लैन उत्थे जाऊंगे डब्बियां लैन माचिस उत्थे टैक्स है, जे गैस सिलेंडर लाइटर चलाओगे टैक्स शुरू, गैस ते टैक्स है, थोड़े चिर बाद चाह पत्ती पाती टैक्स, फिर खंड पाती टैक्स, दुध पाता टैक्स, लस्सी पीन लग गए टैक्स, हुण तां परौंठे ते भी 18% लाता मोदी ने, परौंठे ते भी टैक्स, सब्जियां खाओगे टैक्स, मोबाइल फोन किया किसी ने भी मैं आने लग्या इधर नंबरदार साहब टैक्स, फोन ते नंबरदार साहब को जाने वास्ते मोटरसाइकिल स्टार्ट किया टैक्स, डीजल पेट्रोल, फिर घरे आओगे रोटी खाओगे टैक्स, आथने जे शाम जे नू थके हुए मंजे ते पैके थोड़ा जा कह दें शुक्र है चलो हुण कोई टैक्स नहीं, ना ना जी तहां पक्खा चल रहा है टैक्स, आपां तां सुते पए भी टैक्स दे जाने आ, तड़की फिर उठांगे फिर टैक्स, आपां तां 24 घंटे टैक्स दिंदे आ, ते खजाने खाली किवें हो जांदे ने, फिर खजाने खाली इन्हां वास्ते क्यों नहीं हुंदे, हुण खजाने भरे जाणगे ते खजाने भरे हुए जिहड़े ने वो बरकत जिहड़ी खजाने दी वो थोड़े ते लाई जाऊगी, थोड़े ते ये बोली जान दो इन्हां नूं, कदे कुछ कहण लग जांदे ने, कोई गल है नहीं इन्हां कोले, असीं तां काम करन वाले आ करी जांदे आ, अफसरां दी बहुत वधिया टीम है, जे कोई अफसर गड़बड़ करदा है असीं उहनूं हटा दिंदे आ, भाई चंगा तां तैनूं जां वध पैसे चाहीदे होणगे धरती ते शायद, जां तेरी धर्मराज नाल गल हो गई होणी वी तेरे वाले तां हां आ सकदे ने नाल, असीं तां इस च यकीन करदे आ भाई गुरु साहब ने कहा सीगा कि भाई सरबत दा भला है इत्थे ही है सारा कुछ, किसी की बददुआ ना लो गरीब की, वो असी कीता भी हेल्पलाइन देती भी जे कोई
थोड़े तो सरकारी दफ्तर च कोई पैसे मांगता है वीडियो बना के फोन से सानू भेज दो अजे तो करता हूं उन्होंने को तरीके होर बहुत ने रहिंदे रह भी नहीं सकते हुए ने ये बिना उन्होंने कई मेरे शिकायत आई मेरे को कई दफ्तर के मूहरे लिख के लाता अंदर मोबाइल फोन ले जाना मना है असी ये करता भी कोई गल नहीं जिन्होंने ये लिखे भी अंदर फोन ले जाना मना है असी उन्हें बिना वीडियो तो ही करप्ट मनांगे उन्होंने भी सस्पेंड करांगे क्यों मोबाइल फोन क्यों नहीं जान देते भाई कोई डर है किसी गलो काने हो जे किसी गलो काने नहीं है मोबाइल कौन लेके जान देंगे अंदर सो कई परता ने परता हौली हौली ठीक कर लांगे यकीन रखियो बस मेरे ते जिन्ना प्यार तुसी दे जांदे हो मैं कदे जिंदगी सोचा नहीं सी जिन्ना प्यार तुसी मैनू देता जे मैं हर सां बाद भी धन्नवाद करन लग जा हर सां बाद भी तां भी मैनू कई जन्म लैणगे लैणे पैणगे मैं तुहाडा धन्नवाद नहीं कर सकदा इन्ना करजा तुसी मेरे चढ़ा सो आओ आपां इकट्ठे होके पंजाब नूं दुबारे पंजाब बनाईए हसदा खेडदा पंजाब बनाईए नचदा पंजाब बनाईए मुगदर चकदा कुश्तियां दे घोल हुंदे फौज च भर्ती होने लई मशहूर पंजाब जरनैलां दा पंजाब अज थोड़ा जा पंजाब हिलिया होया लाइन तो कोई नहीं लाइन ते लै आवांगे सुरजीत पात्र साहब ने लिखिया की होया जे पत चढ़ आई तू अगली रुत्त विच यकीन रखी मैं लभ के लियाना कितों कलमा तू फुल्लां जोगी जमीन रखी जे जमीन होगी तो कलमे लभ लांगे ते फुल उगे आउणगे जे जमीन ही ना होई जे पानी ही ना होया अपने कोले जे हवा ही ना सांह लैण जोगी रही फिर कुछ नहीं कर सकते पराली आले मामले ते बहुत असी कोशिश कर रहे हैं कि ना फूको पराली तो जे तुसी यूनिवर्सिटी कहती है कि जे बिच बाद ही दो तीन साल बाद कणक का जिहड़ा झाड़ है वह भी बढ़ जाता क्योंकि उहदे च तत्त जिहड़े हुंदे ने उहदे नाल जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है पर फिर भी हैगे ने कहिंदे जी अग लावांगे ते अग लाओगे तो भाई सब तो पहले तो थोड़ी ते थोड़े जवाकां दे फेफड़ियां विच दी लंघू धूआं ये आपां किसे वास्ते अग नहीं ला रहे ये किसे वास्ते हवा दूषित नहीं कर रहे अपने वास्ते कर रहे हैं देखो गुरु नानक साहब 1469 च पैदा होए 1539 च उन्हां दा ज्योति ज्योत समाया उदों 1469 तो बाद ला लो 1500 दे नेड़े तेड़े अज तो 700 साल पहला गुरु साहब ने लिखता सी पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत के पवन हवा हवा नूं गुरु दा दर्जा पाणी नूं पिता दा माता नूं धरती नूं माता दा उस वेले कहिंदा कोई फैक्टरी गंदा पानी धरती च पाउंदी होणी उस वेले कहिंदा कोई अग लाउंदा होणा उस वेले कहिंदा कोई स्प्रे करता होना पर गुरु साहब नूं पता सीगा कि तिने चीजा बचा लोगे तो बचोगे तो गुरु साहब ने जे अपन नूं फलसफा दिता है अपा तिने दर्जे कायम रख लिए पंजाब नंबर वन सूबा बनने तो कोई नहीं रोक सकता जी पंजाब नूं लोग देखण आया करनगे दुबारे कि पंजाब है सो तुहाडे नाल है पंजाब पंजाब वसदा गुरां दे नां ते परमात्मा लोगों च वसदा हुंदा है साडे कोले गुरु पीर शहीद साडे कोले एडा वड्डा खजाना कि जे उन्हां दे पाए हुए कदमां ते उन्हां दे लिखे हुए विचारां ते 0.01% भी किते उहदे ते पहरा दे लिए तां जिंदगी सुधर सकदी है आउण वाले दिनां च बहुत वड्डे वड्डे प्रोजैक्ट आउणगे आउण वाले दिनां च बहुत वड्डे वड्डे ऐलान जिहड़े ने उह नियुक्ति पत्रां समेत होणगे साडी कोशिश इह हुंदी है जिवें अज आया मैं कि नींह पत्थर असी पहला ना रखिए नींह पत्थर काम होने तो बाद रखा जाए भी काम हो गया जी नहीं तो इतने एदू पहला नींह पत्थर रख के पंजाब दे 90-95% नींह पत्थर आवारा पशुओं के खुरक करने के काम आते हैं कोई नहीं आया मुड़ के नींह पत्थर जेडे ने वही पे ने एक मैं पिंड गया किसी पिंड च गया मैं मैनू कहिंदे आ देखियो जी
इन्ना क इन्ना क एक इट्टां दा थड़ा जिहा सी बस इन्ना क मैं कहा की है बैठन नूं बनाया कहिंदे ना जी जे इहनूं 5 क फुट होर पट लीए ये साडे पिंड सरकारी स्कूल दा नीह पत्थर सी उत्ते भारत इन्नी पै गई भी नीह पत्थर मिट्टी च कढ़िया गया इन्ना जमाना बदल गया भी उच्चे हो गए घर उच्चे हो गए गलियां उच्चे हो गए नीह पत्थर विच बेचारा खुदकुशी कर गया दसो की करिए सो इस करके असी काम करन च विश्वास रखते हैं जो कहने उही करदे हां जो असी कर नहीं सकते वह कहिंदे ही नहीं 5 कम अरविंद केजरीवाल जी ने सानू भी दस्सिया 5 कम कह के 6 कर दो लोग शाबाश देणगे 5 कम कह के 4 करोगे लोग कहणगे घाट रह गई भाई पहले ही वह कम करो वह गल करो जिहड़ी कर सकदे जिहड़ी मेरे वस च है नहीं मैं किवें करां बहुत सारिया मंगा मेरे को लेके आते हैं मेरे वस च नहीं है वो सेंटर दिया ने हां मैं उत्थे तक गल पहुंचा सकता भाई ऐ चाहते हैं लोग सो इस करके मैं तुहानू कहना मैं तो एस वाई एल ते मैं बोलिया सुनिया होना तुसी सारे ने किन्ना पानी है साडे कोले कित्थों शुरू हुई गल किहदे हत्थों बिगड़ी किहने कंडे बीजे गालां सानू असी तो 8 साल पुरानी पार्टी है जी सो इस करके ये जड़ियां पुरानियां नीतियां ने बदल रही ने भी किसी ते भी कुछ बोल दो लोग कहें सी अच्छा जी आए हैं फिर तो गलती होगा बंदा सो हुण अजकल वट्सएप का जमाना है हर गल आ जाती है कि फेक न्यूज़ है कि असली न्यूज़ है सो आ मीडिया वालों भी मैं बहुत धन्यवाद भी करदा ते नाल रिक्वेस्ट भी करदा सच दिखाओ जे साडे च कोई कमी है जरूर दिखाओ साडी आलोचना करनी है किसी गल ते जरूर करो पर यह ना हो के बस आ एडा वड्डा फंक्शन होया आ गल्लां होईयां प्लांट होया ते गल आवे भगवंत मान जदों गड्डी च बैठा इन्ने गनमैन सी लै ये की गल है वह हुण प्रोटोकॉल है की करिए उहदा सो पॉजिटिव खबरां भी दसी आपां भी अज प्लांट लग गया भाई इत्थे है ना पर ये है ना अपने खबर पंगा यह है जे कुत्ता बंदे नूं वढ ले कोई खबर नहीं लगती किसी अखबार च बंदा कुत्ते नूं वढ ले हेडलाइन मूरले बन्ने ते बंदे ने काटा कुत्ते को कुछ तो नवा होया ना कहिंदे तां दिखा रहे हैं साडे भरा ही ने साडे मित्र ने अद्धियां तों वध तां सी कट्ठे स्कूटरां ते भी जांदे रहे हैं ते मेरे सभ्याचारक मेलियां दे विच भी लिखते रहे ने सो आपां सारे कट्ठे होईए सारी आपां पंजाबी कट्ठे होईए पंजाब नूं दुबारे पंजाब बनाईए जिहड़ा कमियां कढ़दा उह अच्छा दोस्त हुंदा तुहाडा तरीफां करन वाला ज्यादा तुसीं गल सोच लिओ जिहड़ा थोड़ी बटरिंग करूगा ना वैसे बटर डिपार्टमेंट बैठा इत्थे जिहड़ा बटरिंग कहिंदे आ भी मक्खण लाउंदा इह जिहड़ा बटरिंग करदा ना यह गल जरूर याद रखियो भी बटरिंग जिहड़ी उह चाकू नाल ही हुंदी है इहदा मतलब कोल चाकू हैगा सो कमियां दसण वाला अच्छा दोस्त हुंदा जरूर कमियां जिहड़ियां ने दूर कर लेनियां चाहीदियां ने और दोस्त जिहड़ा उही असली हुंदा जिहड़ा तुहानूं इह कहे कि नहीं आ कमियां चो इह ठीक कर लो आपां इकट्ठे मिलके चलीए क्योंकि वो एक शायर सीगा घट बोलदा सीगा दिल च ही रख लैंदा सी गल्लां महफलां मूफलां च भी घट बोलदा सी उहनूं किते हार्ट की प्रॉब्लम आ गई डीएमसी लै गए ओपन हार्ट सर्जरी हो गई तो उत्थे एक होर शायर फेमस उहदा पता लैण गया उहने एक दो लाइनां उत्थी सुनाईआं उहनूं कहिंदा खोल लैंदा दिल नूं जे उदों यारां दे नाल खोल लैंदा दिल नूं जे उदों यारां दे नाल अज इहनूं खोलणा ना पैंदा फिर यारां दे नाल सो दिल च ना वाली गल रख्या करो जो हैगी है कढ लिया करो सांझियां करो विचार सांझे करो विचारां चों ही नवे आइडिया आउंदे ने नवे आइडिया नाल ही दुनिया अज दी डेट च चलदी है सो तुसीं इन्ने प्यार ते सत्कार नाल
मैं सुनिया, मैं भाई थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद करना। दो दो नारे इनकलाब दे ने, शहीद आजम भगत सिंह वो जो नारे लाते थे तो उन्होंने पता सीगा कि कोई ना कोई फेर लाऊगा। आपने एक होर काम किया जिहड़ा मोहाली वाला एयरपोर्ट है उसका नाम शहीद आजम भगत सिंह होरां दे नाम ते रखा गया। तो हुण साडा अगला टारगेट हलवारे वाला, हलवारे वाले एयरपोर्ट का नाम भी करतार सिंह सराभा साहब के नाम से रखा जाए तो एड्डी वड्डी कोई गल नहीं है, क्योंकि जिन्होंने सानू देश लैके दिता उन्होंने नाँ से तो रखी है ना कुछ, उन्होंने तो कुर्बानियां दी 18-18, 19-19 साल की उम्र च फांसियां दे रस्से चूम ले। असी एयरपोर्ट का नाम भी नहीं रख सकते, असी यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं रख सकते, स्कूल का नाम भी नहीं रख सकते, उन्होंने लीडर के नाते कितना कुछ है। उन्होंने तो आके राज ही किया बने बनाए मुल्क च, वोटां का अधिकार तो सानू उन्होंने शहीदां ने लैके दिता है ना, वह उन्होंने वोटां नू वरत के आपके नावां ते करन लग गए। सो मैं यही कहना कि शहीदां नू याद रखिए, जिहड़ी कौम अपने शहीदां नू याद रखती है, जिहड़ी कौम अपने विरसे नू याद रखती है, वह कौम जिहड़ी है वह कदे मुश्किल च आ जाए ना तो वह कौम नू मुश्किल चो निकलना आ जाता है, क्योंकि उहदे कोले विरसा पिया हुंदा, उहदे कोले पुराने बजुर्गों का तजर्बा पिया हुंदा, वह कौमां जिंदा रहिंदियां ने। दोनों हाथ उपर चक के दो नारे ला दिओ, इनकलाब थोड़ा जिहा होर, इनकलाब बोले सो निहाल। सारयां नूं मेरे वल्लों बहुत बहुत सत श्री अकाल, नमस्कार। तुसीं इन्ने प्यार सत्कार नाल मैनूं सुणिया, दिवाली दीआं बहुत बहुत मुबारकां। रब करे, अरदास करदा दिवाली का कल्ला कल्ला दीवा तुहाडे घर तंदरुस्ती ते तरक्की दा चानण लैके आवे। बहुत बहुत धन्नवाद जी। बहुत बहुत धन्नवाद सर। साडे मानयोग मुख्यमंत्री जी नूं सन्मान चिन्ह दित्ता जावेगा, साडे समूह बोर्ड आफ डायरेक्टर बेरका मिल्क प्लांट लुधियाणा दे सारे ही अहुदेदार, इस दे नाल ही चेयरमैन मिल्क फैड पंजाब नरिंदर सिंह शेरगिल जी, सारयां नूं बेनती करदे हां कि मानयोग मुख्यमंत्री जी नूं सन्मान चिन्ह दिता जा रहा है। बोर्ड आफ डायरेक्टर बेरका मिल्क प्लांट लुधियाणा साडे सारयां दे प्रेरणा स्रोत, साडे मानयोग मुख्यमंत्री जी, इन्हां वल्लों